तो हेलो गाइस, तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक और रायन की फाइट शुरू हो चुकी थी एंड वही जैक ने रायन के चेहरे पे एक जोरदार किक मार के उसे वहीं पे ही गिरा दिया था। तो अब वही हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोकुगावा जैक से पूछता है, क्या तुम रायन कोरिया के साथ लड़ना चाहते हो? तो ये सुन के जैक मना कर देता है और कहता है, मैं उससे नहीं लड़ सकता, अगर उससे भी कोई ताकतवर फाइटर होगा तो आप मुझे बताइए। पर वही तोकुगावा एक्सप्लेन करता है कि रायन कुरे बहुत ताकतवर है क्योंकि वो कोरिया परिवार से बिलोंग करता है। उनकी पीढ़ी के जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही ताकतवर थे, उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था और उनमें से रायन कोरिया एक है। तो तोकुगावा की ये बातें सुन के जैक रायन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि रायन और जैक आपस में हैंड टू हैंड बैटल कर रहे होते हैं। फिर तभी जैक रायन को एक जोरदार किक मारता है जिससे कि वो वहीं पे गिर जाता है। तो ये देखे काकुकायो कहता है, लगता है मॉन्स्टर अभी जागने वाला है। तो अब हम देखते कि रायन वापस से खड़ा हो जाता है और जैक से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा सकते हो? मैं एक ऐसे इंसान से नहीं हार सकता जो खुद को ताकतवर बनाने के लिए दवाइयों को यूज करता है। तो चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है, और अगर तुम में सच में ही दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। एंड वही ओमा ये देख के कहता है, लगता है रायन अभी अपने असली रूप में आने वाला है। और वही फिर हम रायन को देखते हैं जो जैक से कहता है, तो चलो अभी तैयार हो जाओ, और ये कहते ही वो अपने कुरिया फॉर्म में आने लगता है। तो वही काकुकायो ये देख के कहता है, अरे ये तो रिमूवल टेक्निक को यूज कर रहा है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें हमारे दिमाग के लिमिट्स को तोड़ना पड़ता है, और मुझे ये देख के हैरानी हो रही है कि आज भी कोई इस टेक्निक को यूज करता है। फिर वही कातारा भी बताता है कि कोरिया परिवार में सिर्फ रायन ही है जो इस मुकाम को हासिल कर पाया है। जिस पे तोकुगावा कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो एक बहुत ही बढ़िया फाइटर को लाया है। एंड वही रायन भी जैक से कहता है, अभी तुम कुचलने के लिए तैयार हो जाओ। तो वही हम देखते कि जैक उससे लड़ने के लिए रेडी होता है, पर तभी हम उसके मुंह के अंदर कई सारी दवाइयों को देखते हैं और वो उन दवाइयों को एक ही बारी में खा जाता है, जिस वजह से जैक के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं। मगर तभी रायन उसके पास आके उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि जैक उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। मगर तभी हम देखते कि रायन फुल स्पीड में भागते हुए जैक के पास आता है और उसका गला पकड़ते हुए उसे हवा में उठा लेता है, और फिर वो उसे एकदम से जमीन में पटक देता है, जिसके बाद वो लातों से उसके चेहरे पे मारने लगता है। तो वही वो कहता है, ओए क्या तू इतनी जल्दी हार मान गया? पर वही जैक कहता है, अभी मैं हार नहीं माना हूँ, और ये कह के वो खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि जैक वहीं पे उल्टी करने लगता है और धीरे धीरे करके उसका जो शरीर होता है वो सिकुड़ने लगता है, और वही जैक अपने पुराने वाले रूप में वापिस आ जाता है। तो वही ओमा ये देख के कहता है, देखने से लगता है कि ये लड़ाई तभी रुकेंगी जब तक इन दोनों में से कोई मर नहीं जाता। तो अब वो दोनों अपने पूरी ताकत से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। वो लगातार एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं, और इस बार हम देखते हैं कि जैक भी रायन को काटे की टक्कर दे रहा होता है, जिस वजह से रायन को भी इस लड़ाई में और भी मजा आ रहा होता है। फिर तभी वो जैक के चेहरे पे एक किक मारने जाता है, पर तभी जैक अपने हाथ से उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रायन के पास आके उसके शोल्डर के ऊपर काट देता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। तो वही ये देख के सब लोग कहते हैं, अब ये लड़ाई ऐसी हो चुकी है कि दोनों में से जब तक कोई नहीं मरेगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और वही फिर रायन वापस से जैक के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के जैक उसके हाथ को पकड़ लेता है और रायन के पेट पे एक जोरदार मुक्का मार के उसे दूर करता है और वापस से उसको काटने लगता है। तो वही तोकुगावा हैरान होते हुए कातारा से कहता है, कातारा मुझे लगता है कि हम गलत लोगों के बीच में मैच को करवा रहे हैं। ये दोनों जाहिल तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इन दोनों में से कोई मर नहीं जाता। और वही हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। इनकी लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि इस वजह से इन दोनों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो वही ये देख के एडम कहता है, अरे बहुत हो गया, कोई तो इन दोनों को रोको। मगर तभी जैक
रायन के ऊपर अटैक कर देता है, तो ये देख के रायन उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी भी जैक रायन के पास जाने की कोशिश करता है, पर वही रायन उसकी गर्दन को इतने जोर से दबाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है, जिस वजह से रायन इस लड़ाई को जीत जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।